हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का मेरिट लिस्ट यहां देखेंगे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है, तो एक बार कंपैरिजन करते हैं 2021 वर्सेस 2022, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है। और उत्तराखंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले एक बार एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट, ठीक है। और ये जो मेरिट लिस्ट है जो आपके सामने है राउंड वन का 2022, यहाँ आप देखें, ठीक है, उत्तराखंड। अब आते हैं एक बार 566 तक पिछले बार मिला था, तो यहाँ पे देख लेते हैं नंबर, ठीक है, और ये देखते रहिए आप। और थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं कि इस बार कितने स्टूडेंट हैं और थोड़ा सा और नीचे, तो एक बार आपको आइडिया मोटा मोटी हो जाएगा कि क्या पिछले साल से स्टूडेंट बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 566 आ गया, ठीक है ना, 566। ये देखिए 337, कितने स्टूडेंट हैं इस साल, 337। अब 2021 में देखते हैं, ये 2021 में, 2021 में अगर 566 में देखेंगे तो 288 थे, तो कितने स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सॉरी, एक सेकेंड, आपको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। और 337 माइनस 288, ठीक है, इक्वल टू 49। तो 49 स्टूडेंट जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, कट ऑफ जो है एक से दो नंबर तक कट ऑफ जो है इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, एक से दो नंबर, क्योंकि पिछले बार से 49 स्टूडेंट 566 तक ज़्यादा हैं। आप अप्रॉक्स 40 भी लेके चलते हैं तो आपको ये, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, पिछले सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ गया था वो 566 था, मॉपअप में एक दो नंबर और कम हो गए थे, तो आप मान के चलिए कि आप मॉपअप तक ये जो सेकेंड राउंड का कट ऑफ था वही रहेगा, ठीक है ना, दो नंबर जो है कट ऑफ बढ़ जाएंगे पिछले बार से, एक से दो नंबर बिल्कुल बढ़ने जा रहा है उत्तराखंड में, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, क्योंकि कॉलेज की कोई सीटें बढ़ी नहीं है जो इसको वे करे। और चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, बाय।